सिर्फ दुख जताने से क्या होता है? अगर प्रधानमंत्री की खुद की बेटी होती तो क्या वो दुख जताते? सिर्फ दुख जता के वो चुप रह जाते क्या? अगर आपकी या हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ हो जाता तो हम सामने वालों को मारने काटने की हिम्मत रखते हैं तो अकेला गहरा दुख जताने से क्या उस समस्या का हल हो गया? मैं द्रौपदी मुर्मू जी से कहना चाहूंगी, आप तो राष्ट्रपति पद पर हैं, आप आदिवासी समाज से आते हैं, आपने उनके लिए क्या कदम उठाया? महिलाएं बैठी हैं संसद में, उनसे कहना चाहेंगे कि आपके मुंह में जुबान नहीं है क्या? या आप इसलिए चुप हैं कि सिर्फ इसलिए चुप हैं कि वो आपकी बेटी नहीं थी? अन्य समाज के अन्य लीडर्स को, जो सत्ता में बैठे लीडर्स हैं, उनको कहना चाहेंगे कि आपकी जुबान क्यों बंद है? आज ये इनके साथ है, कल को ये आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, तब आप क्या करेंगे? न्याय मिलना तो मुश्किल है, बाकी हम उम्मीद करते हैं कि भावनाएं अगर थोड़ी बहुत भी बची हैं, अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत आपके बीच में बची है, आपके मन में बची है, तो आप आगे आएं और उन महिलाओं को न्याय दें। उनको हम कहना चाहेंगे, हम बाबा अंबेडकर साहब की संतानें हैं, हम दादा सूरजमल के वंशज हैं, हम दादा छोटूराम के वंशज हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं। आप जितना दबाएंगे हमारा खून उतना उबाल मारेगा और हम हारने थकने या पीछे हटने वालों में से नहीं है। इनका क्या है, हमेशा जाति और धर्म के नाम पे इन्होंने लड़ाई जारी रखी है और उसी नाम पे इन्होंने वोट लिया है। तो आप एक जब दलित चेहरा आगे आया अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़ने, समाज के लिए लड़ाई लड़ने, तो उनको इसने सरकार ने दबाने की कोशिश की और भाई चंद्रशेखर पर हमला करवाया। पर हम ये कहना चाहेंगे कि वो अकेले नहीं है, पूरा किसान समाज, मजदूर समाज है, अन्य 36 बिरादरी भाई के साथ खड़ी है और जहां भाई का खून बहेगा हम अपना पसीना बहाएंगे। ये संदेश है उस घटिया सरकार को जो किसानों के बच्चों पे या मजदूरों के बच्चों पे हमले करवाती है कि अब ये हमले हम नहीं सहेंगे। ये संदेश है उस घटिया सरकार को कि मणिपुर में दो महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है और आपकी जुबान भी बंद है, आपकी आंखें भी बंद हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सूखा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये संदेश है उस महिला आयोग को कि आज आपकी जुबान क्यों बंद है जब उन दो बहनों के साथ दुख जताया ना। सिर्फ दुख जताने से क्या होता है? अगर प्रधानमंत्री की खुद की बेटी होती तो क्या वो दुख जताते? सिर्फ दुख जता के वो चुप रह जाते क्या? अगर आपकी या हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ हो जाता तो हम सामने वालों को मारने काटने की हिम्मत रखते हैं तो अकेला गहरा दुख जताने से क्या उस समस्या का हल हो गया? आप आज यहाँ चंद्रशेखर भाई के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन पे गोली चलाई गई, जान से मारने की कोशिश की गई, उनको सिक्योरिटी तक नहीं दी जा रही है, जबकि देखेंगे कि कंगना रनौत है वो कौन सी देश की पद्मश्री अवार्डी है, उनको क्यों सुरक्षा प्रदान की जा रही है? और एक आम किसान मजदूर का बच्चा जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाता है, ऊंचाइयों पे जाने लगता है, तो उसको दबाने के लिए इनकी मारपीट शुरू हो जाती है, उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। इनको हम कहना चाहेंगे, हम बाबा अंबेडकर साहब की संतानें हैं, हम दादा सूरजमल के वंशज हैं, हम दादा छोटूराम के वंशज हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं। आप जितना दबाएंगे हमारा खून उतना उबाल मारेगा और हम हारने थकने या पीछे हटने वालों में से नहीं। भीड़ है 2024 में, अलग अलग विपक्ष के लोग भी हैं, सारे विपक्ष एकजुट हो रहा है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैम, जो लगातार महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, आप मणिपुर का कल वीडियो देखा होगा जी, और ऐसा वीडियो है जिसको आप देख भी नहीं सकते? बिल्कुल नहीं देख सकते सर। वो इस तरह की घटनाएं हो रही है और लगातार सरकार से दावे कर रही है, बेटी को पढ़ा भी रहे, बेटी को बचा भी रहे, बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, बेटियों को सड़कों पर बिठा रहे हैं, बेटियों को धक्के खिला रहे हैं। मैं द्रौपदी मुर्मू जी से कहना चाहूंगी, आप तो राष्ट्रपति पद पर हैं, आप आदिवासी समाज से आते हैं, आपने उनके लिए क्या कदम उठाया? महिलाएं बैठी हैं संसद में, उनसे कहना चाहेंगे कि आपके मुंह में जुबान नहीं है क्या? या आप इसलिए चुप हैं कि सिर्फ इसलिए चुप हैं कि वो आपकी बेटी नहीं थी? अन्य समाज के अन्य लीडर्स को, जो सत्ता में बैठे लीडर्स हैं, उनको कहना चाहेंगे कि आपकी जुबान क्यों बंद है? आज ये इनके साथ है, कल को ये आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, तब आप क्या करेंगे? कहाँ डूब के मरेंगे? तो 80 दिन की घटना हो गई, 80 दिन सब कुछ सन्नाटा छाया रहा है, वीडियो वायरल हुआ तो कोहराम मचा। अब संसद सत्र स्टार्ट है और ये पहले तो नेट बंद कर होने की वजह से वीडियोस वायरल नहीं हुई, अब वायरल हुई, सरकार की बचीती हुई तो वो अपनी बात को दबाने के लिए लगी है और अब भी सिर्फ गहरा शोक प्रकट किया गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तो ये शर्मनाक है। इस सरकार में न्याय मिलना तो मुश्किल है, बाकी हम उम्मीद करते हैं कि भावनाएं अगर थोड़ी बहुत भी बची हैं, अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत आपके बीच में बची है, आपके मन में बची है, तो आप आगे आएं और उन महिलाओं को न्याय दिलवाएं। कहा कि दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी अपने राज्यों में कानून व्यवस्था बना के रखना चाहिए। अरे आप तो प्रधानमंत्री हैं, अगर आप एक संदेश देंगे तो कहां कहां कानून नहीं बन सकते? आप अगर खुद कानून का उल्लंघन करेंगे और आपके अगर खुद के जो है बात पे आप खड़े नहीं उतर पाएंगे, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा आपने दिया है, अगर आप उसको सख्ती से लागू करवाते तो क्या नहीं कर पाते? किसकी बात कही आपने?
बेल मिल चुकी है। यही जंतर मंतर है जहां हमारे साथ ज्यादती हुई थी, यही वो जंतर मंतर है जहां मैं पहलवानों के साथ खड़ी थी और मुझ पे नॉन अवेलेबल धाराएं और अनबेलेबल वारंट, अभी हमारे जो गिरफ्तारी के वारंट इशू हैं हमें पुलिस कभी भी उठा सकती है। यहाँ पे सिर्फ सत्ताधीश जो लोग हैं वो सिर्फ पैसे वालों की और पावर वालों की सुनते हैं, बाकी किसी की सुनवाई नहीं होती और इस बात का हम सख्त विरोध करते हैं। पुलिस ने बृजभूषण सिंह को दोषी माना है, क्या इसे आप जीत मानते हो अपना? नहीं, ये कोई जीत नहीं है, ये सिर्फ एक बृजभूषण है, अभी उसको सजा भी नहीं हुई है। सिर्फ दोषी मानने से कुछ नहीं होता, सजा का प्रावधान, जो सजा औरों के लिए निर्धारित है वो उनको भी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, ये सिर्फ एक बृजभूषण की बात नहीं है, हजारों बृजभूषण, लाखों करोड़ों बृजभूषण ऐसे हैं जो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उन सर पे एक्शन होना चाहिए। जातिगत हमला बनाया जा सकता है। देखिए इनका क्या है, हमेशा जाति और धर्म के नाम पे इन्होंने लड़ाई जारी रखी है और उसी नाम पे इन्होंने वोट लिया है। तो आप एक जब दलित चेहरा आगे आया अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़ने, समाज के लिए लड़ाई लड़ने, तो उनको इसने सरकार ने दबाने की कोशिश की और भाई चंद्रशेखर पर हमला करवाया। पर हम ये कहना चाहेंगे कि वो अकेले नहीं है, पूरा किसान समाज, मजदूर समाज है, अन्य 36 बिरादरी भाई के साथ खड़ी है और जहाँ भाई का खून बहेगा हम अपना पसीना बहाएंगे। जय भीम।